तंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। सुकमा से आ रही है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला, जहां 3 जवान शहीद हो गए हैं, 14 जवान घायल हुए हैं और इन घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। 6 घायल जवानों को जगदलपुर लाया गया। टेकलगुड़ा में मुठभेड़ हुई थी, जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। सुकमा में लगातार जो मुठभेड़ का सिलसिला बीते कुछ घंटों में देखने को मिला और इसमें 3 जवान, दुख की बात यह है कि शहीद हो गए हैं और 14 जवान ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरन एयरलिफ्ट किया गया है। दरअसल नक्सली नहीं चाह रहे थे कि जवान कैंप लगाएं और उस इलाके में जब जवानों ने कैंप लगाया तो नक्सलियों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कई ऐसे जवान हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 जवान शहीद हो गए हैं, बेहद दुखद। तो सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। 3 तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, नक्सली मुठभेड़ की तस्वीर जहां 14 जवान घायल हुए हैं, हॉस्पिटल उन्हें लाया गया है। 6 नक्सली से जुड़ी भी जानकारी मिल रही है। इसमें पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का यह पूरा मामला 3 तस्वीर के जरिए आपको समझा रहे हैं। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं, बेहद दुखद। 14 जवान घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और इलाज जारी है। 6 नक्सलियों की इसमें मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सली और जवानों के बीच में मुठभेड़ चल रही थी और इस बीच 6 नक्सलियों की मौत हुई है। सत्यनारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी आपके पास? 6 नक्सलियों के मौत की पुष्टि हुई है? ये मुठभेड़ जो है दोपहर 12 बजे हुआ था, करीब जो है 4 घंटे ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई है, जिसमें जहां 3 जवानों की शहादत हुई है वहीं नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। इसी चलते हम लगातार कर रहे थे, वही बीच जो है एक खबर निकल के आ रही की 6 नक्सली जो है इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। हालांकि और भी संख्या बढ़ सकती है, और भी नक्सली घायल हुए क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। जहां माओवादियों ने बीगल दागे तो वहीं जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की है और करीब 4 घंटे तक की लंबी मुठभेड़ चली है, जिसमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलियों को ज्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि जवान जो है कैंप लगा रहे थे और उस पर जो है अटैक करने के नक्सली आए थे और जवानों की जवाबी कार्रवाई में ये बहुत बड़ी सफलता है कि 6 नक्सली इसमें मारे गए और संख्या और भी बढ़ सकती है जी। ठीक है, श्रीनिवास नायडू भी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, इस मुठभेड़ को लेकर आपके पास क्या जानकारी? हालांकि कामयाबी ये मिली है कि 6 नक्सलियों की मौत हो गई है इस पूरे मुठभेड़ में, लेकिन दुख की बात ये कि 3 जवान शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल, आज जो मुठभेड़ हुई है उसमें पुलिस जवानों को सफलता जरूर मिली है। 6 नक्सलियों को मार गिराने का दावा सुरक्षा बलों ने किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे तीन जवान शहीद हो गए और 14 जवान जो घायल है, जिनमें 6 घायल जवानों को जगदापुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जिनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। बस्तर आईजी ने दावा किया कि जो नक्सलियों को गढ़ कहलाने वाले हिड़मा के कोर इलाके में जो नवीन कैंप खोला गया था, उसको लेकर नक्सलियों में काफी बखलाहट था, उसको लेकर ही नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग किया है। लेकिन जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको खदेड़ा, जंगल की ओर भागे हैं। लेकिन इस घटना में दुखद खबर यह है कि हमारे 3 जवान शहीद हुए। हाँ, ये बात जरूर है कि नक्सलियों की भी जो मौत की संख्या वो बढ़ सकती है। बस्तर आईजी ने 6 जवानों की मौत की पुष्टि की है। सत्यनारायण भी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, सुकमा के टेकलगुड़ा इलाके में ये मुठभेड़ हुई, नक्सली ये नहीं चाहते थे कि वहां पर जवानों के कैंप लगे, जिसके बाद उन्होंने शुरू की फायरिंग और तमाम चीजें, जिसकी जवाबी कार्रवाई भी की गई और इसमें नक्सलियों की मौत हो गई है। 6 नक्सली बताए जा रहे हैं, लेकिन जो 14 जवान घायल है अभी, उनकी स्थिति कैसी है, उनके बारे में क्या जानकारी आपके पास? जो बाकी जवान हैं, जिसमें से कुछ जवानों को जो है रायपुर रेफर कर दिया गया है और बाकी जवानों को जगदलपुर रेफर किया गया है। चूंकि काफी संवेदनशील इलाका है, सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर ये इलाका है टेकलगुड़ा, जो सुकमा और बीजापुर का सीमावर्ती क्षेत्र है, और जवान फिलहाल सभी सुरक्षित है। 3 जवानों की शहादत हुई है, इसके अलावा जितने भी जवान है, अधिकांश जवानों को जो बम बीजल लागे गए उनके जो छर्रे होते हैं उनसे नुकसान पहुंचा है, किसी के हाथ पैर में चोट आई है, बाकी जवान सभी सुरक्षित है। और फिलहाल जो है
सभी का इलाज जो है रायपुर और जगदलपुर चल रहा है, बेहतर इलाज चल रहा है। प्राथमिक उपचार जो है उनका वहीं सिलगेर में कर दिया गया था। अभी जवान सभी की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। जी सुकमा में नक्सलवाद को थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी कि जब जब नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश की गई है तो कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नक्सलियों की तरफ से देखी गई है, कार्रवाई माफ कीजिएगा, कुछ बड़ी एक्टिविटी वो जरूर कर देते हैं, आईईडी लगाना, भारी भारी किलो के आईईडी लगाना कहीं पर, तो कहीं फायरिंग अचानक से हवा में कर देना, इस तरह की हरकतें नक्सलियों की तरफ से देखी जाती है। कुछ इतिहास बताइए सुकमा और नक्सलिज्म का। आपको बता दूं कि नक्सली जो है सुकमा में करीब जो है 3 से 4 दशक पहले से नक्सली यहाँ पर उनकी जो शुरुआत जो होती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से नक्सली यहाँ आते हैं बस्तर में, और यहाँ पर जो भोले भाले आदिवासी होते हैं उस वक्त उनका फायदा उठाते हैं, भी अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि लगातार सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में घुस रहे हैं। हालांकि जो है ये अभी तक ये इलाका जो है काफी सड़क के किनारे ही जवान पहुंच पाते, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लगातार उनके इलाकों में पहुंच रहे हैं। टेकलगुड़ा के बारे में आपको बता दूं, टेकलगुड़ा वो इलाका है जहां 2021 में अप्रैल महीने में हिडमा जो नक्सलियों का लीडर है उन्होंने घेर के 22 जवानों की शहादत की थी। वो इलाका है जहां पर सीआरपीएफ जवान को किडनैप कर लिया गया, उस इलाके में जवान पहुंचे हैं। आप समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जवान नक्सलियों के कोर ग्रुप में कर रहे हैं। वो हिडमा का इलाका है, पूर्वोत्तर इलाका है, वो हिडमा जिसमें लाखों रुपए का इनाम है, वो हिडमा जिसकी तलाश जो है कम से ठीक है। ऐसे तो नारायण आगे आपसे जानकारी लूंगी। विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के। विजय शर्मा जी न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है। सर सुकमा में नक्सली और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में दुख की बात ये कि हमारे 3 जवान नहीं रहे, शहीद हो गए हैं। हालांकि 6 नक्सलियों की इसमें मौत है जो कि बड़ी कामयाबी है जवानों के लिए। नक्सलिज्म को जड़ से खत्म करने की बात बीजेपी सरकार कह रही है, लेकिन चुनौतियां बहुत। आज दोपहर 1-2-3 बजे के बीच में दोपहर में सुकमा में जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकलगुड़ा ऐसा स्थान है जहां पर कैंप लगाने के लिए पूरा फोर्स किया हुआ था। 1100 से अधिक जवान हमारे थे, उसमें कोबरा बटालियन के सीआरपीएफ से थे। वहां पर नक्सलियों ने घात लगा करके कायराना हमला किया, उसमें 3 जवान हमारे शहीद हुए, स्प्लिंटर इंजरी भी हुई है। और विशेष ये है कि अभी सर्चिंग अभी जारी है वहां पर, जहां पर जाना मुश्किल होता था पिछली बार, जहां पर 23 हमारे जवान शहीद हो गए थे वहां पर कैंप लग रहा है हमारा। ये जवानों की बहुत बड़ी जीत है कि उस स्थान पर जहां पर जाना मुश्किल होता था आज वहां कैंप लग रहा है। अलाउ सर एक चीज और भी है कि यहाँ पर कई बार ऑफर रखा गया कि नक्सलियों से बातचीत कर मसले को नॉर्मल किया जाए, बातचीत का ऑफर कई बार दिया गया, लेकिन नक्सलियों की ये हरकत जो अब सामने आई है इसका जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए? और क्योंकि गृह मंत्रालय आपके पास है तो क्या आपको लगता है कि वहां पर जो मौजूदा फोर्स है इसको बढ़ाने की भी बात आएगी सामने? अभी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था, उन्होंने पूरी समीक्षा की है और उन्होंने ये कहा भी है कि आने वाले 3 वर्षों में इस नक्सलिज्म से हम सबको मुक्ति मिलेगी। मैं आपसे इसमें ये कहना चाहता हूँ कि नक्सलियों को से चर्चा बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है, मतलब वो हमारे जवान नौजवान अगर जो इस दिशा में जा चुके हैं, जिनको मुख्य धारा में अगर लाया जा सके तो कभी भी वो समय कभी भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये सच है कि जितना दर्द समाज को दिया गया है, जितने बड़े भूभाग को, क्षेत्र को, लोगों को मौलिक सुविधाओं से वंचित करके रखा गया है, इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सुकमा से नक्सलिज्म का बहुत पुराना कनेक्शन है, हमने देखा है कि कई बार नक्सली सुकमा के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर आदिवासियों को भड़का देते हैं और वो भी उन लोगों को इसी लाइन में ला देते हैं। चुनौती तो है सर, लेकिन सवाल ये है कि अभी मौजूदा समय में जो मुठभेड़ हो रही है उसके लिए क्या कोई फोर्सेस अभी भेजा जाएगा? निस्संदेह फोर्सेस भी बढ़ाए गए हैं। ये तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो स्थान है जहाँ पर कैंप लग रहा है, जहाँ जा पाना भी मुश्किल होता था। ये जवानों की बहुत बड़ी जीत है, ये हमारे फोर्स की बहुत बड़ी जीत है। और उस स्थान पर जब अभी कैंप लगेगा तो अब कैंप के पीछे पीछे सारी सुविधाएं जाती हैं, यानी वहाँ सड़क भी जाता है, बिजली भी जाता है, पानी भी जाता है,
वहां पर आंगनबाड़ी जी मुठभेड़ में अब लड़ाई लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों घायल हुआ और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान है जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जहलपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। सभी जवान अभी खतरा से बाहर हैं, उनका इलाज अभी लगातार जारी, उनका कंडीशन स्टेबल बताई जा रहा है और आसपास इलाके में अभी लगातार एडिशनल री एनफोर्समेंट पार्टी के साथ कार्रवाई की जा रही है। 2021 में उसी टेकलगुड़ा में तब एक अभियान के लिए हमारे सुरक्षा बल गए थे, उसमें हमको काफ़ी बड़ी क्षति हुई थी, उनमें से हमारा 23 जवान का शहादत भी हुआ और हमारा इरादा है उन इलाका में जो माओवादी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है उन इलाका में हम नियमित रूप से उपस्थित रहकर क्षेत्र की जनता को माओवादी उनके गतिविधि से मुक्ति दिलाने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देने के उद्देश्य से कैंप स्थापित की जा रही है। आज का एक घटना के बावजूद हमारा इरादा मजबूत है, हम पीछे नहीं हटेगा, वो कैंप यथावत स्थापित रहेगा और आने वाले समय और मजबूती से माओवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये कैंप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीनों शहीद जवान को हम नमन करते हैं, उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस लड़ाई लड़ा है। जनता के हित में जो हमारा सभी कैंप स्थापित की जा रही है उसमें हमारा पूर्व में भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें हमारा सभी जवान ने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ा है और हम उनके ऊपर गर्व है। उन तीनों जवानों का शहादत को हम नमन करते हुए उनकी बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देगा, उनकी बलिदान को सम्मान करने के उद्देश्य ये कैंप और मजबूती से स्थापित रहेगा और आने वाले समय में और मजबूती से हम आगे कार्रवाई करेगा। सर, आज के प्रस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो नहीं, देखिए जैसा जिस इलाके में हम अभी आगे प्रवेश कर रहे हैं जैसा महोदय का एक मजबूत गढ़ जो माना जाते हैं और इसके पूर्व में भी जैसा मिनपा में भी वर्ष 2020 में घटना हुआ है, उसके बाद फिर हम मिनपा में भी कैंप स्थापित करके आज के डेट में मिनपा में एक सामान्य वातावरण निर्मित करने के लिए हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए थे और जैसा माओवादी का टेकलगुड़म हो या अन्य जो भी उनके स्ट्रांग इलाका है उनमें हमारा इरादा मतलब उसको उनकी कब्जे में नहीं रहने देगा, उसमें बड़े हमको काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसी तैयारे के साथ ही गई, लेकिन लड़ाई में हमारे जवान का भी बहुत उससे लड़ने के बावजूद भी शहादत हुआ, क्योंकि क्षेत्र ऐसी है उनकी काफ़ी मजबूत गढ़ माना जाता है माओवादी का, हमकी पूरा तैयारी के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद इस बार शहादत होने के बावजूद भी हम पीछे नहीं हटाए, अभी भी हमारा वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सभी जवान मोर्चा में तैनात होकर अभी लड़ाई को लड़ रहा है और आने वाले समय और हमारा जो मोर्चाबंदी और मजबूत होगा और इस इलाके से हम पीछे नहीं हटेगा, क्षेत्र की जनता के सहयोग से और आगे मजबूती से जाएगा। तो सीधे तौर पर आपने सुना क्या क्या कहना था, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मुठभेड़ की जानकारी दी गई है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां 14 जवान अस्पताल में भर्ती है, सांसें सबकी अटकी हुई है और यही मनाया जा रहा है कि वो बहुत जल्दी अच्छे से स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आ जाए, क्या अपडेट आपके पास? ये बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं बालाजी हॉस्पिटल में और इमरजेंसी वार्ड में से उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, उनके हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। 3 जवान बिल्कुल बेशक शहीद जरूर हुए हैं और शहीद को न्यूज 18 परिवार भी नमन करता है। साथ ही साथ जो 14 जवान जो घायल हुए हैं और उनमें से 8 जवानों को रायपुर शिफ्ट किया गया है, 2 अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी जो है जो सामान्य जो जानकारियां आई हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन इस तरह से माओवादी हैं कायराना करतूत को अंजाम हर बार देते हैं और इस तरह से जो हमारे जवानों की शहादत है वो होती है, लेकिन शहादत है वो कभी जाया नहीं जाएगा, ये राज्य सरकार का भी कहना है, साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है और इस तरह के कायराना करतूत को लगातार वो अंजाम देते हैं और हमारे जवानों ने मुठभेड़ के बाद जो जवाबी फायरिंग की है उसके बाद माओवादियों को पीछे भागना पड़ा है और वो अब पीछे भागे हैं। फिलहाल यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर आए हैं, जवानों के हालचाल जान रहे हैं, साथ ही साथ बेहतर से बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और डॉक्टरों की टीम है पूरी लगी हुई है और फिलहाल अभी उपचार है वो जारी है, लेकिन अभी जो खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं ये राहत भरी खबर है कि हताहत हुए हैं जवान, घायल हैं लेकिन खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जी,
अभी खतरे से बाहर है वाकई में, और हर अपडेट हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। तमाम रिपोर्टर्स हमारे जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। फिलहाल आपने सुना भी, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है कि कितने जवान शहीद है। 3 जवान के शहीद होने की बात भी यहाँ पर आधिकारिक तौर पर कह दी गई है, जिसमें कि कहा आ गया है कि जवानों की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। युगल, जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण लिया गया मौजूदा सरकार की तरफ से, ये एक चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि जो परिजन हैं, जो घायल जवान हैं, उनके परिजन क्या वहां पर आए हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? जी देखिए, उन्हें एयरलिफ्ट करके लाया गया है। फिलहाल परिजन नहीं है, लेकिन विभाग के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के आईजी जो एसपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उन बेहतर जो चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराने की भरसक कोशिश किया जा रही है। और ये माओवादियों की बौखलाहट है कि आप सोच सकते हैं कि इस तरह से जब किसी भी चीज़ की स्थापना वहाँ पर उन क्षेत्रों में होती है तो माओवादी हैं वो अचानक से बौखला जाते हैं, और वजह है सड़क पुल पुलिया तक का वो विरोध करते हैं। कई स्कूल को भी वो ध्वस्त कर चुके हैं। सीधा सीधा ये कहना गलत नहीं होगा कि जो माओवादी हैं वो विकास विरोधी हैं, क्षेत्र में विकास नहीं चाहते। हालांकि ये बात अलग है कि माओवादी अपने आप को आम जनता के हितैषी करार देने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन ये कैसा जो समर्थन है कि जो विकास को रोकते हैं, विकास को बाधित करते हैं। जो जवान वहाँ पर क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, शासन की योजनाओं को आम जमीनी स्तर पर उतारने की जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जवानों पर इस तरह से कायराना जो हमला किया गया है, बिल्कुल इसे कायराना हमला किया जा सकता है। और शहादत कभी भी जवानों की जो जाया नहीं जाता है। ये इससे भी पहले कई माओवादियों को हमारे जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया है, और बहुत सारे ऐसे जो माओवादी मुख्य धारा पर थे वो उन्हें वापस भी वो जुड़े हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो प्रयास है पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का, वो जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन माओवादी आपके पीछे की हलचल को जरूर देखना चाहेंगे। अगर आप बोलिए कैमरामैन से कि दिखाए कि वहां पर इतनी संख्या में जवानों के भर्ती होने के बाद किस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है। वो जवान जो पूरे मुस्तैदी के साथ और पूरे कह सकते हैं कि पूरे दम के साथ नक्सलियों का सामना करने उतरे, हालांकि घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर यहां पर लाया गया है, जरूर वहां पर इस वक्त क्या तस्वीरें दिखाइए। ये बिल्कुल मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी मनीष जी से कहूंगा कि दिखाएं। देखें, इमरजेंसी वार्ड है, और इसमें हालांकि मीडिया या फिर आम लोगों की पूरी तरह से मनाही है, और ये मरीजों के लिहाज से ये बेहतर भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि माओवादियों का इस तरह से जो कायराना करतूत है हर वक्त रहता है, पहले वो सुनियोजित तरह से प्लानिंग करते हैं, बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं, और उसके बाद इस तरह से जब जवान वापस लौट रहे होते हैं तो बिल्कुल जाल बिछाते हैं। और इस तरह से कई बार ऐसे होता है कि बम प्लान भी वो किए रहते हैं, और यही वजह है कि आए दिन जो माओवादियों की इस तरह के जाल में हमारे जवान फंसते हैं। सर्चिंग के दौरान अमूमन इस तरह की घटनाएं हैं वो घटित होती है, लेकिन जवानों के हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं हुए हैं। कई ऐसे मुठभेड़ हैं जो अगर हम उंगलियों से भी गिने तो कम हो जाए, जिसमें जवानों ने माओवादियों को पीछे धकेला है। और जिस तरह से एक आंकड़े भी आया है कि माओवादी घटना है वो काफी कम हुई है, तो माओवादियों को पीछे धकेलने की वजह से इस तरह की जो बौखलाहट है वो समय समय पर सामने जो आते रहती है, और इस तरह से कायराना करतूत करते हैं। वो जवानों से लोहा ले नहीं सकते, इसलिए जंगल की आड़ लेकर के वो भाग जाते हैं, कुछ दिन शांत रहते हैं, और एक तरह से फिर इसी तरह की वो घटना को अंजाम देते हैं। जी सुंदर राज पी, जो कि बस्तर के आईजी हैं, उनको हमने कहते हुए सुना जब वो बकायदा मीडिया के सामने आए, और उन्होंने इस पूरे मुठभेड़ की जानकारी विस्तार से दी और कहा कि जो जवानों की शहादत है उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बल्कि हर एक जवान के शहीद होने का हिसाब लिया जाएगा। जो फोर्सेस हैं उनको भी बढ़ाने की बात युगल सामने आ रही है, तो क्या अब फोर्सेस बढ़ाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है?
ये बिल्कुल देखिए, ऐसे कायराना करतूतों को कुचलने के लिए चाहे वो हमारे जवान हो, चाहे उन क्षेत्रों में जो पुलिस बल हैं, डीआरजी के जवान हो, सीआईएसएफ के जवान हो, जो भी वहाँ पर हो सके उनकी तैनाती और उनकी जो मौजूदगी बेहद ज़रूरी कही जा सकती है और बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम जवानों के हौसले की बात करें तो हमारे जवानों के हौसले बिल्कुल बुलंद है, लगातार इस तरह से लोहा लेते रहते हैं और माओवादी कायराना करतूत है जो अंजाम है उसको वो लगातार भले ही देते रहते हैं, लेकिन हम अगर बात करें तो उन क्षेत्रों में माओवादियों को धकेलने के लिए फोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। समय समय पर अभी भी हाल ही में LWE की एक बैठक हुई थी जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि ग्राउंड स्तर पर सरकार की योजना है उनको पहुंचाया जाए, और ये बौखलाहट है जब शासन की योजना धरातल तक पहुंचती है तो वो माओवादी नहीं चाहते कि उन क्षेत्रों के लोग हैं वो शिक्षित हों, अपने अधिकार अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक हो, शासन की योजनाएं उन्हें ना मिले, उन्हें बाधित करने के लिए इस तरह से जो कृत्य है वो किया जाता है। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये माओवादियों की बौखलाहट है और ज़रूरत इस बात की है कि अब वक्त आ गया है कि एक एक दंश झेलने के बजाय इन माओवादियों को पूरा नेस्तनाबूद किया जाए, और ख़ास करके बस्तर ही नहीं लगभग 11 से 12 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ से, उन्हें उन जिलों से पीछे खदेड़ा जाए और माओवाद का मूल रूप से यहां पर खात्मा हो, हर कोई चाहता है। ठीक है युगल, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, जब हम विजय शर्मा जी से बात कर रहे थे जो कि गृह मंत्री भी है, डिप्टी सीएम भी है, उन्होंने ये कहा कि अब फोर्सेस बढ़ाने की जरूरत है और उस पर भी काम किया जा रहा है, क्या कोई ऐसी हलचल आपको वहां पर दिखाई दे रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि अब फोर्सेस बढ़ाने की नौबत आ गई है? हाँ जी, आपको बता दूं कि लगातार नरेंद्र मोदी पर सरकारें काम कर रही है और लगातार फोर्स जो है 7 साल में फोर्स बढ़ रही है, और फिलहाल जब से नई सरकार बनी है प्रदेश में तब से जो है नरेंद्र मोदी पर आक्रमक रूप से काम किया जा रहा है और फोर्स बढ़ाने की पत्नी भी लगातार की जाती है, और यही वजह है कि नए नए इलाकों में कैंप खोला जा रहा है। जैसे कि डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा जी ने कहा है कि वो इलाका है जहाँ पर फोर्स के जवान जाते नहीं थे, 2021 में जब जवान गए थे तो वहाँ पर भाई जवानों की शहादत हुई थी, वो इलाका है जहाँ आज फोर्स वहाँ जा रही है, कैंप स्थापित कर रही है, वहाँ पर जवान स्थापित हो रहे हैं, उसके बाद जो है तमाम तरीके के विकास कार्य वहाँ पहुंचेंगे, और लगातार देखा जा रहा है कि वैसे मोर्चे पर जवानों की मुस्तैदी बढ़ रही है, जवानों की लगातार जो है जवानों की संख्या भी बढ़ रही है, और लगातार उन इलाकों में कैंप खोलने को लेकर सीआरपीएफ के चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हो, और चाहे आसपास के राज्यों के हो, चाहे उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो लगातार बैठकें हो रही है, और ये बैठकों का ही नतीजा है कि आज इलाके में फोर्स पहुंच रही है और कैंप स्थापित कर रही है, क्योंकि उस इलाके में जाना संभव नहीं था, उस इलाके में जवान पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ी। ठीक है सत्यनारायण, आपसे जानकारी लूंगी एक बार फिर से, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में इस मुठभेड़ का जिक्र करते हुए लिखा कि सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित ग्राम टेकल गुड़े थाना जगरगुंडा सुकमा में माओवादी मुठभेड़ की कड़ी निंदा करता हूं। तो विष्णुदेव साय ने भी इस पर जो है निंदा की है, इस पूरे मुठभेड़ में जो कायराना हरकत नक्सलियों की तरफ से की गई है। सत्यनारायण, नजर पूरी है डिपार्टमेंट की, सरकार की और डिपार्टमेंट तमाम जो इसके लिए हैं उनकी नजर पूरी है इस मुठभेड़ पर, वहां पर क्या हलचल है इस वक्त और क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि क्या ये मुठभेड़ इसी तरह जारी रहेगी या फिर फोर्सेस जो बढ़ाई जाएंगी उसके बाद एक बार फिर से नजर बनेगी? फिलहाल जो है यही सूचना मिल रही है कि टेकलगुड़ा एक गांव है जहां पर आसपास में एक नया कैंप स्थापित करने की रिपोर्ट थी, आज सुबह फोर्स वहां पहुंची थी और फोर्स पहुंचने के बाद में ही जैसे ही जानकारी जवानों को लगी कि इलाके में फोर्स कैंप स्थापित करना चाह रही है, तो जवान लड़की जो है जवानों को परेशान करने को उद्देश्य नुकसान पहुंचाने को उद्देश्य उन्होंने हमला किया है। उस इलाके में अभी भी जवान मुस्तैद है, आपको बताना चाहूंगा कि उस इलाके में जवान लगातार कैंप खोल रहे हैं और ये पिछले एक साल में सुकमा जिले में करीब 16 से 17 कैंप खुले हैं और नई सरकार बनने के बाद में 3 कैंप खुल चुके हैं और उस इलाके में लगातार जवान जो है पहुंच रहे हैं कैंप खोल रहे हैं, फिलहाल जवान अभी भी उसी गांव में मौजूद है जहां मुठभेड़ हुई थी। और ठीक है सत्यनारायण, आप बने रहिए, युगल भी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट कर दिया गया इस पूरे मामले पर, कहा गया कि कड़ी निंदा करते हैं और जो भी जरूरत होगी जवानों को उस तमाम चीजों के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, सहायता करेंगे। 3 जवानों की शहादत पर भी गहरा दुख उन्होंने प्रकट किया है, क्या जानकारी वहां पर आपके पास? अभी जो 14 घायल जवान हैं उनको देखने के लिए क्या कोई VIP मोमेंट अस्पताल की तरफ हम देखेंगे?
जी देखिए, अभी फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहली प्रायोरिटी जो रहती है कि जो घायल जवान हैं उन्हें बेहतर उपचार मिल सके, राज्य सरकार ने भी निर्देश हैं वो जारी किए हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके इस घटने की निंदा की है, कायराना हमला इसे बताया है, बेशक इसे कायराना हमला कहा जा सकता है। मेरे पास बिल्कुल एक आंकड़ा है, ये आंकड़ा बता रहा है कि आखिर कितने माओवादी हैं जिन्होंने अपनी जो मुख्य धारा में यहाँ पर शामिल हुए। अगर हम 2021 की अगर बात करें तो 551 माओवादियों ने सरेंडर किया है, 2020 में 342 माओवादियों ने सरेंडर किया है, 2019 में 311। इतिहास बहुत लंबा है और फिर अगर हम इसे देखेंगे तो काफी वक्त भी निकल जाएगा। वाकई में युगल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा।